ये गाइस आज का सिर्फ लेट नाइट स्टडी का ब्लॉग है छोटा सा। तो सबसे पहले उठते यार मैंने अपना रूम साफ़ कर दिया क्योंकि बिखरा बिखरा था पूरा रूम, इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई थी, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था यार, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था माइंड बार बार, तो एक बार ही में सफाई कर दी मैंने। तो ये संडे की वीडियो है साथ में की, मतलब अभी रात के 12 कुछ बज रहे हैं। मैंने सोचा आज मैप्स पढ़ लेता हूँ थोड़ा, तो सबसे पहले तो मैंने मैप्स बनाने की प्रैक्टिस करी। तो मैं दोनों के फिज़िकल मैप बना रहा था, इंडिया और वर्ल्ड के। सोच रहा था ये आपको ढंग से दिखा पाऊँ कि मैं कैसे बना रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वो ट्राईपॉड नहीं है टॉप डाउन वाले, मैं देख रहा था अमेज़ॉन वगैरह पे तो महंगे आ रहे थे। ख़रीदने की जगह मैंने सोचा यार कोई जुगाड़ लगा देते हैं, तो ये टेबल लैंप है, मैंने सोचा इसे चिपका देता हूँ इसी पे फ़ोन, और ये बढ़िया सेटअप हो गया भाई मेरा एकदम फ्री का। देख रहे भाई लाइट वाला ट्राईपॉड। तो मैंने प्रैक्टिस कर ली है ठीक ठाक सी इंडिया फिजिकल और वर्ल्ड फिजिकल मैप बनाने की। मेरी ड्राइंग वैसे भी थोड़ी ख़राब ही है, तो इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा अच्छा बनाने का। तो अब मैं कोई यूट्यूब वीडियो चलाने वाला हूँ जिसके अंदर वो इंपॉर्टेंट जगह बताएगा यूपीएससी के लिए जो पूछी जाती है मतलब प्रीवियस ईयर्स में, और साथ साथ मैं अपने एड्रेस पर मार्क कर जाऊँगा वो जगह। फिर मैंने अपने रूम को सेट किया, एकदम सजा लिया भाई, कैंडल जला दी सेंटेड, और कपड़े भी चेंज कर लिए, ठंड लग रही थी यार, पंखा बहुत तेज़ी चलता है या तो बहुत धीरे ही चलता है, इसको भी सही करवाना पड़ेगा इसका रेगुलेटर। अब भाई ये जो साउंड ट्रैक मैंने चलाया यही सुनते सुनते पढ़ रहा था मैं, ये मेरे फेवरेट एनीमे का है, वॉलीबॉल का एनीमे हाइक्यू, अगर देखा है आपने तो यार बताना मेरे को, बहुत ही मस्त लगता है मेरे को तो, काफ़ी मोटिवेशनल एनीमे है। फिर मेरे को एक बहुत बढ़िया वीडियो मिली जिसके अंदर सारे लैंड फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सप्लेन कर रखे थे, जैसे इस्थमस आइलैंड गेट लगून वगैरह। तो जब मैं पढ़ रहा था तो यार मैं मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख के पढ़ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली पूछा था कि हवाइन आइलैंड कैसे फॉर्म हुए, तो मेंटल रूम से फॉर्म हुए थे। तो इसलिए जब भी मैं कुछ पढ़ रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पढ़ा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है वो वाला इस्थमस कैसे फॉर्म हुआ है, तो फिर मैंने साथ में ये भी देख लिया उसका यूज़फुलनेस क्या थी। तो उससे जो फौना एंड फ्लोरा है वो ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका, तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हुई थी। हेलो भाई, 4 बजने वाले हैं, मेरा बीच बीच में फोकस बिगड़ रहा था थोड़ा, तो मतलब मैं सोच रहा था कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं कितने व्यूज़ आ रहे हैं, वीडियो ढंग से बन रही है कि नहीं, मतलब कुछ ना कुछ चले जा रहा था दिमाग में। तो इसलिए मैं 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करने की सोच रहा हूँ, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे हम। हेलो भाई, मेडिटेशन कर लिया अपन ने, बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लग रही है मेडिटेशन करने से ना, कुछ मंगा रहा हूँ मैं स्विगी से, देखते हैं कितने बजे हैं, 4:15 भाई, सुबह के 4:15 बजे ऑर्डर कर सकते हैं ज़िंदगी में और क्या चाहिए। यार ये मंगाया मैंने, बचपन में खाता था मैं, बचपन तो नहीं तो काफ़ी पहले खा, एक पेप्सी और चॉकलेट्स भाई, चॉकलेट्स मैंने बहन के लिए मंगा लिया, आज उसका एग्ज़ाम है तो उसको पकड़ा दूँगा सुबह सुबह, वो भी क्या याद रखेगा भाई, एक भाई था। फिर वापस से स्टार्ट कर दिया भाई खाते खाते हमने अपना डिवीजन एंथ्रोपोलॉजी का। तो यार फिर से मैंने कपड़े बदल लिए, पता नहीं यार कभी गर्मी लग रही थी कभी सर्दी, क्या ही सीन है।
भाई बेस्ट ऑफ लक पानी पीनी।